नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बेगूसराय से प्रत्याशी कन्हैया को नमूना और टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कहा। तो कन्हैया ने भी उन पर बेगूसराय वासियों, बिहार के निवासी और राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर का अपमान करने का उल्टा आरोप जड़ दिया। कन्हैया ने अमित शाह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग देश की संपदा को लूट रहे हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं, उनके टुकड़ों पर पलने वाले ये भाजपा के लोग उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का बताकर बेगूसराय के लोगों का अपमान कर रहे हैं। कन्हैया के अनुसार बेगूसराय के लोगों ने इस अपमान को लगातार कई सालों तक झेला है। मुझे उम्मीद है कि 29 तारीख को भाजपा को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कन्हैया के हिसाब से अमित शाह का बयान सिर्फ बेगूसराय के एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि दिनकर की धरती का अपमान भी है। कन्हैया ने कहा कि दिनकर जी की पुण्यतिथि पर अमित शाह ने जैसे राष्ट्रकवि की धरती को अपमानित करने का काम किया है, न केवल बेगूसराय बल्कि पूरे बिहार के लोग उनसे इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। इस वाक्यूद से साफ है कि फिलहाल कन्हैया को लग रहा है कि अमित शाह ने उन्हें बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। उन्हें लगता है कि भाजपा के उनके खिलाफ राष्ट्रवाद के मुकाबले स्थानीय लोग और बिहारियों के अपमान का अभियान चलाकर लोगों की सहानुभूति हासिल की जा सकती है।